हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो अभी बज रहा है सुबह का 9। तो कल रात 3 बजे एडिटिंग जा करके कंप्लीट हुई थी, क्योंकि 1 बजे तो हम मतलब 1 बजे हमारा काम कंप्लीट हुआ था। 1:30 बजे के आसपास हम सोए थे और 3 बजे तक एडिटिंग कंप्लीट हुई। सुबह उठा अभी मतलब 8 बजे के आसपास उठा, वीडियो अपलोड करी और उसके बाद नहीं सोया। तो अभी हमको 10 बजे कॉलेज में पहुंचना है और जो 12,000 रुपये हमको मिलने हैं कॉलेज की तरफ से। तो गाइस ये बोल रहा है कि जी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो बता चुका हूँ, ये बोल रहा है कि वो वीडियो में मत बताया। अब क्या क्यों नहीं बताया ना, कौन से गुप्त चीजें हैं? नहीं मिलेगा तो पोपट हो जाएगा, पोपट वाला वीडियो बनेगा एक। तो सीन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है क्या कि सरकार की तरफ से कॉलेज के हर स्टूडेंट को 12,000 रुपये दिया जा रहा है टैबलेट के लिए। यानी जो बच्चे जिन बच्चों के पास फोन नहीं है और जो मतलब ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित है उनके लिए टैबलेट प्रदान किया जा रहा है। टैबलेट नहीं दे रहे, 12,000 रुपये दे रहे हैं, तो फिर उससे टैबलेट लेना है और फिर उसको कॉलेज में दिखाना है। तो हमारे पास तो है फोन, हम टैबलेट क्यों लेंगे? पर फिर भी देखते हैं, हम कुछ और चीज लेंगे, कुछ और बढ़िया चीज लेंगे, लेकिन उन पैसों का सदुपयोग करेंगे। फिलहाल जो भी होगा पहले 12,000 रुपए आने चाहिए, उसके लिए हमको जो भी हमको कागजात मांगे हुए हैं कागजात तो उनको पहले आज हमको 10 बजे कॉलेज में जमा करना है, तब जा करके हमको 12,000 रुपए मिलेगा। सबका हो चुका है, केवल 7 बच्चे थे जिनका कल शाम को नहीं पता, उनमें से 3 हम थम थी। और तो अभी फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं कॉलेज में और पहले वो काम करके। तो अभी मौसम साफ हो चुका है और हमारे गाँव में बर्फ भी पड़ चुकी है थोड़ा बहुत, जो कल सुबह मैंने आपको दिखाया था ऊपर तक पड़ा था, लेकिन अब हमारे घर जितू भाई लोगों के घर जितू लोग सबसे नीचे रहते हैं वहां तक भी बर्फ पहुंच चुका है। तो जो भी होगा कल आपको गांव जाकर के दिखाएंगे वो बर्फ। पहले तो जोशी मट्टी में दिख जाएगी। कल हम घर जा रहे हैं, ये बोल रहे कि हम अभी नहीं आ रहे हैं। और अगर इनको सेमीफाइनल खेलना है तो इनको भी आ जाना चाहिए, क्योंकि मौसम साफ हो चुका है, परसों के आसपास हमारा मैच हो सकता है। अभी हम चल रहे हैं कॉलेज की ओर। तो अभी हम पंकु भाई और मैं निकल चुके हैं, जितू भाई अभी रूमी पे। तो फिलहाल फिर से मौसम खराब होने लग चुका है। सुबह तक तो काफ़ी बढ़िया था, धूप लगी हुई थी, बहुत अच्छी से धूप खिली हुई थी, अभी फिर से बदल चुका है मौसम। ठीक है, कल यहाँ सामने पे भी बर्फ़ पड़ चुका था यहाँ तक। वैसे यहाँ पर बाई चांस बहुत कम बर्फ़ देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक भी आ चुका है। और इधर का व्यू देख सकते हैं अभी सुबह का। इधर का मौसम तो सही है, लेकिन इधर से फिर से ख़राब होने वाला है। जय गोपीनाथ प्रभु, जय हो। और मैं मत जो तो दोस्तों अभी रूम पे पहुंच चुके हैं। तो आज का काम भी हो चुका है, जिस काम के लिए कॉलेज में गए हुए थे, असाइनमेंट भी जमा हो चुका है और वो डॉक्यूमेंट भी जमा हो चुके हैं टैबलेट के लिए, जो मतलब डॉक्यूमेंट मांग रहे थे। तो अब जाकर के नाश्ता बन रहा हमारा, क्योंकि सुबह उठे और मार्क्सम्बुल रोटी बने। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कल का आटा भी बचा हुआ है तो थोड़ा 2-4 रोटी बनाते हैं, मैगी ला रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, पंकु भाई मैगी बना रहे हैं, हम रोटी बना देंगे। क्यों? रोटी भी बनाना है। उसके बाद आज हमारा काम है रोटी मैं ही बनाऊंगा। तेरा काम कपड़े है मार्क्समुल। चल यार, खुश कर दिया तूने यार। तो आज हमको कपड़े भी धोने, क्योंकि कल जाना हमको घर। ठीक है, आज कपड़े धोएंगे, कल अगर कपड़े सूखेंगे तो सीधे घर निकल जाएंगे। ये क्या है? ये वाला। चल ढंग से बोल। ये शाबाश, ये वेरी गुड, ये कुकी, ये फिर ये लॉयन, ये क्या है? क्या है? मैंगो 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 है, मैंगो नेक्स्ट। ये क्या है? क्या है? हाँ, ये क्या है? क्या है? जूस है।
ये क्या है? तोता। ये क्या है? सुन तो ऐसा बोल, टाइगर 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 बोल दादी। तो दोस्तों अभी बज रही है रात की 7:30 और अभी आज हमारे जीतू भाई फिर से एक मैच हार के आ चुका है। आज हमारे जीतू भाई लोगों का जिसके साथ मैच था वो प्रो प्लेयर थे कह सकते हैं, गोपेश्वर के सबसे मतलब सबसे तगड़े खिलाड़ी, जो खिलाड़ी थे ना उनके उनका मतलब पूरा बिजनेस ही वही है, दूर दूर से उनको मतलब डिमांड आती है खेलने के लिए और उनको उसके बदले मतलब पैसे भी मिलते हैं एक मैच खेलने के। तो ऐसे खिलाड़ियों के साथ आज हमारे जीतू भाई का मैच था। तो फिलहाल आज का मैच हार चुके हैं, अपने लिए जीत चुके हैं लेकिन मैच हार चुके हैं। तो अभी हमारे जीतू भाई हमारे जोशीमठ क्षेत्र के एक ब्लॉगर है कौशल के ब्लॉग, उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अभी आवाज सुन रहे हो ना, ये हमारे क्षेत्र के एक ब्लॉगर कौशल के ब्लॉग, तो इनको हम अपनी टीम में खिलाने वाले। तो अब भाई के साथ एक बार मीटअप होने वाला है, जब से मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है तब से इस भाई के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो कौशल भाई कुछ कह दो, कुछ एक दो शब्द कह दो। शब्द बस ये है भाई को सपोर्ट करे, निकल रहा था भाई के साथ बहुत जल्दी मीटअप होने वाला है। तो गाइस बिल्कुल 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 भाई, तूने कह दिया यहाँ बोल दे, तूने बोल के खेलना आ रहा, तेरे को आना पड़ेगा ठीक है। अगर आप बड़े लोग बड़े यूट्यूबर हमको अगर एक बार मौका देता। अरे यार ऐसी बात मत करा कर यार तू। तो गाइस बहुत ही जल्द मीटअप होने वाला है भाई के साथ हमारा। हाँ जी मिस्त्री जी। हाँ जी गुरु जी। तो फाइनली गाइस हमारा काम पूरा हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम खाना बनाते हैं, तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। हो जाए तो उठ।